नमस्कार बच्चों, आज हम हिंदी ऑनलाइन कक्षा में चार्ली चैपलिन यानी हम सब विष्णु खरे जी के द्वारा रचित ये चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। तो मैं डॉक्टर अरुण मिश्रा केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 सागर से हिंदी ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। यह पाठ हास्य फिल्मों के महान अभिनेता और निर्देशक चार्ली चैपलिन को कला की कुछ मूलभूत विशेषताओं के साथ रेखांकित करते हुए प्रस्तुत है। इसमें करुणा व हास्य परस्पर विरोधी भाव हैं। करुणा में हंसी नहीं आ सकती और हंसी में दुख नहीं हो सकता। करुणा मतलब दुख। चार्ली की सबसे बड़ी विशेषता यही थी कि उसने करुणा और हास्य के तत्वों का सामंजस्य स्थापित किया। यह पाठ चार्ली के इसी जादू का वर्णन करता है। इसके लेखक हैं विष्णु खरे जी। इनका जन्म 1940 में छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश में हुआ था। रघुवीर सहाय सम्मान, हिंदी अकादमी, मैत्री शरण गुप्त सम्मान, शिखर सम्मान, फिनलैंड का राष्ट्रीय पुरस्कार, नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ द व्हाइट रोज, इत्यादि सम्मानों से इनको सम्मानित किया गया। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं कविता, एक गैर रूमानी समय में, खुद अपनी आँख से, सबकी आवाज़ के पर्दे, मैं पिछला बाकी, आलोचना की पहली किताब, इनकी आलोचनात्मक पुस्तक है। सिनेमा से भी ये जुड़े रहे, सिनेमा पढ़ने के तरीके, ये इनकी सिने आलोचना वाली किताब है। टी एस इलियट एक साहित्यिक विद्वान हुए हैं पश्चिम में, यूरोपीय देशों में। दो मरु प्रदेश तथा अन्य कविताएं, ये उनकी कविताओं के साथ इन्होंने विषय के रूप में प्रस्तुत किया है। आंतिला योझिक, यह चाकू समय, काले वाला फिनलैंड का राष्ट्र काव्य है, उसका इन्होंने हिंदी में अनुवाद किया है। तो आप लोग देख रहे होंगे चित्र में आपको चार्ली चैपलन दिखाई दे रहे हैं। ये चार्ली चैपलन बच्चों, हिंदी फिल्मों में आपने राज कपूर का नाम सुना होगा। राज कपूर का इस तरह की वेशभूषा वाला गेटअप आपने देखा है किसी फिल्म में? शायद आपको याद हो, उनकी एक फिल्म आई थी आवारा, आवारा हूँ, जिसका एक गाना बहुत प्रसिद्ध हुआ था। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, फिर भी लाल टोपी सिर पर, और मेरा दिल है हिंदुस्तानी। तो ये चार्ली चैपलिन को कॉपी करते हुए राज कपूर जी ने अभिनय किया था। यहाँ पर मैं पाठ का सार आपको संक्षिप्त में बताने का प्रयास कर रहा हूँ। चार्ली चैपलिन बहुत बड़े हास्य कलाकार थे। उनके जीवन की सबसे बड़ी विशेषता थी करुणा तथा हास्य का सामंजस्य। ये भारत में बेहद लोकप्रिय हुए और इनकी लोकप्रियता बताती है कि कला स्वतंत्र है। लेखक बताता है कि चार्ली पर बहुत कम लिखा गया है, अभी उस पर बहुत कुछ लिखा जाएगा। चार्ली का प्रारंभिक जीवन बेहद गरीब था। उसकी फिल्म मेकिंग ए लिविंग के 75 वर्ष इसी वर्ष पूरे हुए हैं। इसी वर्ष मतलब जिस साल लेखक ने ये पाठ लिखा। अपनी फिल्मों के माध्यम से वह दर्शकों की वर्ण व्यवस्था तथा वर्ग व्यवस्था को तोड़ पाया। उसकी फिल्में भावना पर आधारित होती थीं। वह आम आदमी को अपनी कथा का माध्यम बनाता था। लेखक द्वारा चार्ली का भारतीयकरण इस गीत में किया गया है ना। चार्ली के जीवन को दो घटनाओं ने प्रभावित किया। पहली घटना ने उसे करुणा, सहानुभूति तथा प्रेम का पाठ पढ़ाया। दूसरी घटना ने उसे करुणा को हास्य में बदलना सिखाया। समाज के शोषण तंत्र ने उसे ठुकराया, परंतु आम लोगों ने उसे अपनाया। भारत में उसकी नकल राज कपूर ने की। चार्ली हमेशा हंसता था, पर हंसना सबसे कठिन होता है। चार्ली की अधिकांश फिल्में मूक थीं। मूक फिल्में आप लोगों ने पढ़ी होंगी। क्लास 8 में आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा, जब सिनेमा ने बोलना सीखा, है ना। तो
1933 के लगभग बोलने वाली फिल्म आई, उसके पहले मूक फिल्में हुआ करती थी। लेकिन चार्ली की जो फिल्में हैं वो 60-70 के दशक में भी मूक ही रहीं, क्योंकि उनके अभिनय में इतना आकर्षण था कि डायलॉग की, संवादों की जरूरत नहीं पड़ती थी। करुणा तथा हास्य दोनों के सम्मिश्रण के सम्राट थे चार्ली। भारत में अत्यंत लोकप्रिय थे। चार्ली का प्रारंभिक जीवन बेहद गरीब था। इनके पिताजी ने इनकी माँ को छोड़ दिया था। इनकी माँ ऐसे ही सिने जगत में काम करती थी, लेकिन कोई बड़ा काम नहीं करती थी, तो बच्चों का पालन पोषण करना उनका काफ़ी कठिन था। इसलिए इनका जो शुरुआती जीवन है वो गरीबी में कटा। अपनी फिल्मों के माध्यम से उन्होंने दर्शकों की वर्ण व्यवस्था तथा वर्ग व्यवस्था को तोड़ा। फिल्मों का आधार भावना, ये इनके जीवन का सार है। चार्ली के जीवन की दो घटनाओं ने उनके जीवन की दिशा को मोड़ दिया। पाठ में कुछ विशेष बिंदु हैं जिन पर हम यहाँ परिचर्चा करना चाहेंगे। चार्ली चैपलिन ने फिल्म कला को लोकतांत्रिक बनाया। दर्शकों की वर्ण व वर्ग व्यवस्था को तोड़ा। अंग्रेजों जैसे व्यक्तियों में वाक्यांश में निहित व्यंग, अंग्रेज स्वयं को गर्वोन्मत्त, आत्मविश्वास से परिपूर्ण, सफल, सभ्य तथा दूसरों से श्रेष्ठ व शक्तिशाली मानते थे। वे हंसने जैसी प्रवृत्ति को गलत मानते थे। हमारे समाज में भी ऐसी कई प्रकार की परंपराएं हैं कि लड़कियों को ज़्यादा हंसना नहीं चाहिए, या कोई पुरुष ऐसा करता है तो उसकी तुलना लड़कियों से कर दी जाती है कि वो लड़कियों की तरह हंसता ही रहता है। तो हंसना एक कला है, और अगर हम हंसेंगे तो हमसे जो जुड़े हुए लोग हैं हमारे आसपास, वो भी हमें देखकर खुश होंगे। अगर हम मुंह लटकाए या मुंह बनाए दुखी बैठे रहेंगे तो लोग दुखी हैं रहेंगे हमसे मिलने जुलने वाले, और शायद ये आंकड़ा कम हो जाएगा। उनके जीवन में दो घटनाएं जो घटी हैं, तो उसके बारे में यहाँ पर मैं जिक्र करना चाहूँगा कि बुद्धि की तुलना में चार्ली ने भावना को इसलिए चुना क्योंकि पहली घटना जो उनके जीवन में आई वो थी कि एक बार जब वो बीमार हुए तो उनकी माँ ने बाइबल से ईसा मसीह का जीवन पढ़कर उन्हें सुनाया। ईसा के सूली पर चढ़ने के प्रसंग पर माँ बेटे दोनों रोने लगे। इस घटना से चार्ली ने स्नेह, करुणा और मानवता का पाठ पढ़ लिया। दूसरी घटना ने भी चार्ली को प्रभावित किया। चार्ली के घर के पास एक कसाई खाना था। वहाँ प्रतिदिन सैकड़ों जानवर वध के लिए आते थे। कसाई खाना जानते हो, जहाँ पर जानवरों को काटा जाता है। एक बार एक भेड़ किसी प्रकार जान बचाकर भाग निकली। उसको पकड़ने के लिए उसके पीछे भागने वाले कई बार फिसलकर सड़क पर गिरे, जिसे देखकर दर्शकों ने हंसी के ठहाके लगाए। इसके बाद भेड़ हाथ आ गई। चार्ली ने अनुमान लगा लिया कि अब भेड़ के साथ क्या व्यवहार होगा। उसका हृदय करुणा से भर गया। हास्य के बाद करुणा, यही चार्ली की फिल्मों का आधारभूत मनोभाव बना। इसमें भारतीय कला और सौंदर्य शास्त्र का भी सम्मिश्रण है, करुणा के साथ हास्य। हम लोग भी जब बचपन में रहते हैं, जब तक हमको बहुत ज़्यादा समझ नहीं होती, तो आपने छोटे बच्चों को देखा होगा कि अगर वो किसी चीज़ के लिए रो रहे हैं और उनको एकदम से वो चीज़ मिल जाए तो वो हंसने लगते हैं, मतलब रोते रोते हंसने लगते हैं। लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं तो हम ऐसा नहीं कर पाते। अगर किसी चीज़ के लिए हम रो रहे हैं तो हम उसके लिए रोते ही रहते हैं। दुख लंबा चलता है, तो इसी बात पर लेखक ने इसमें जिक्र किया है ना। चार्ली की फिल्मों की कई विशेषताएं हैं कि इस भाषा का प्रयोग कम है, मानवीय स्वरूप अधिक है, सार्वभौमिकता है, चार्ली हमेशा युवा दिखते हैं, संस्कृति को विदेशी नहीं मानते, किसी भी संस्कृति को चार्ली सबको अपना स्वरूप मानते हैं, और उसमें सब बनने की अद्भुत क्षमता है। अर्थात चार्ली ने बहुत अभिनय किया, लेकिन उनके अभिनय को किसी एक रूपता में नहीं ढाला जा सकता। उन्होंने हर संस्कृति को अपनी फिल्मों का विषय
बनाया था। ये चार्ली चैपलिन पाठ का सार था। भारत में चार्ली का महत्व है क्योंकि भारत में हास्यवाद की परंपरा नहीं है। लोग हंसने के लिए सोचते हैं। चार्ली तो दूसरों पर तो हंसते ही हैं, लेकिन चार्ली की एक जो विशेषता थी स्वयं पर हंसना, तो वो सबसे ज़्यादा प्रभावी थी। भारत में चार्ली के महत्व का मुख्य कारण यही है कि चार्ली स्वयं पर हंसते थे। बड़े बड़े व्यक्तियों को स्वयं पर हंसने के वह मौके देते थे। उनकी फिल्मों में देखा है, ऊंचे ऊंचे स्तर पर जाकर भी वे हास्य का पात्र बन जाते थे। उसका रोमांस कैसा होता था? पंक्चर होता था। वह महानतम क्षणों में अपमानित होना जानता था। इसी कारण से जो भारतीय संस्कृति है उसमें चार्ली का महत्व बढ़ जाता है। प्रश्न उत्तर पर डिस्कस कर लेते हैं बच्चों। चैप्टर तो आपके पास, लगभग सभी के पास किताब आ गई होगी, तो आप उसको पढ़ लोगे, सभी घटनाएं मिल जाएंगी। चार्ली की फिल्मों के नाम भी अक्सर परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं, तो आप लोग ध्यान से चैप्टर पढ़ोगे, सार हमने उसका बता दिया है। इस पाठ के जो महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर हैं वो हम आपसे डिस्कस कर लेते हैं। लेखक ने ऐसा क्यों कहा कि अभी चैपलिन पर करीब 50 वर्षों तक काफ़ी कुछ कहा जाएगा? पश्चिम में बार बार चार्ली का पुनर्जीवन होता है। विकासशील दुनिया में जैसे जैसे टेलीविज़न और वीडियो का प्रसार हो रहा है, एक नया दर्शक वर्ग चार्ली की फिल्मों को देखने के लिए तैयार हो रहा है। तो लेखक ने ऐसा इसलिए कहा है ना, चैपलिन की ऐसी कुछ फिल्में या इस्तेमाल ना की गई रीलें भी मिली हैं जिनके बारे में कोई नहीं जानता, तो उन्हें फिल्माया जा सकता है, इसलिए अभी आगे 50 वर्षों तक काफ़ी कुछ चार्ली चैपलिन पर कहा जाएगा। चैपलिन ने ना सिर्फ कला को लोकतांत्रिक बनाया बल्कि दर्शकों की वर्ग तथा वर्ण व्यवस्था को तोड़ा। इस पंक्ति में लोकतांत्रिक बनाने का और वर्ण व्यवस्था तोड़ने का क्या अभिप्राय है? क्या आप इससे सहमत हैं? लोकतंत्र का अर्थ तो आप लोग जानते ही होंगे बच्चों, फिल्म कला को सभी के लिए लोकप्रिय बनाना और वर्ग और वर्ण व्यवस्था को तोड़ने का आशय है। समाज में प्रचलित अमीर गरीब वर्ण जाति धर्म के भेदभाव को समाप्त करना। चार्ली ने दर्शकों की वर्ग और वर्ण व्यवस्था को तोड़ा। इससे पहले जाति धर्म समूह या वर्ण के लिए फिल्में बनाई जाती थीं। कुछ कलात्मक फिल्में भी बनती थीं जिनका भी दर्शक वर्ग विशिष्ट होता था, परंतु चार्ली ने ऐसी फिल्में बनाई जिनको देखकर आम आदमी आनंद का अनुभव करता था। उन्होंने फिल्म कला को बिना किसी भेदभाव के सभी लोगों तक पहुंचाया। चार्ली ने अपनी फिल्मों में आम आदमी को स्थान दिया। उनकी फिल्मों ने समय, भूगोल और संस्कृतियों की सीमाओं को लांघकर सार्वभौमिक लोकप्रियता हासिल की। चार्ली ने यह सिद्ध कर दिया कि कला स्वतंत्र होती है, अपने सिद्धांत स्वयं बनाती है। उन्होंने कला के एकाधिकार को समाप्त कर दिया था, इसलिए उन्होंने वर्ग तथा वर्ण व्यवस्था को तोड़ा। लेखक ने चार्ली का भारतीयकरण किसे और क्यों कहा है? गांधी और नेहरू ने भी उनका सानिध्य क्यों चाहा है ना? लेखक ने चार्ली का भारतीयकरण राज कपूर द्वारा निर्मित फिल्म आवारा को कहा है क्योंकि इस फिल्म में पहली बार राज कपूर ने फिल्म के नायक को हंसी का पात्र बनाया था। इस फिल्म के बाद से भारतीय फिल्मों में चार्ली की तरह ही नायक नायिकाओं की खुद पर हंसने वाली फिल्मों की परंपरा चल निकली। गांधी जी और नेहरू जी भी चार्ली की तरह अपने आप पर हंसते थे। वे चार्ली को अपने आप पर हंसने की कला पर मुग्ध थे, इसी कारण भी चार्ली का सानिध्य चाहते थे। मतलब अपने आप पर हंसना या दूसरों को अपने ऊपर हंसने का अवसर देना, बुरा ना मानना, ये बहुत बड़ी बात है। बहुत गंभीरता के साथ इस विषय को स्वीकार किया जा सकता है। सभी लोग ऐसा नहीं करते। अगर कोई हमारे ऊपर हंस देता है तो हमें गुस्सा आ जाता है। जैसे कोई मोटा है, उसे मोटा बोल दो तो वो बुरा मान जाता है ना? कोई जिसका रंग दबा हुआ है, सांवला है, उसे काला बोल दो। आजकल तो कई लोगों के सिर पर बाल नहीं है, है ना, और उन्हें तरह तरह के शब्दों से संबोधित करते हैं तो कई बार वो बुरा मान जाते हैं। अभी हाल ही में फिल्मों में देखी होंगी आपने, बाला, उजड़े चमन, है ना,
और भारतीय फिल्मों में नायक को हमेशा धीर गंभीर और एक उच्च गुणों से विभूषित व्यक्ति बताया जाता था। तो ऐसे व्यक्ति पर हंसने की परंपरा नहीं थी, जो कि चार्ली चैपलिन के द्वारा ही आई। लेखक ने कलाकृति और रस के संदर्भ में किसे श्रेयस्कर माना है और क्यों? क्या आप कुछ ऐसे उदाहरण दे सकते हैं जहाँ कई रस साथ साथ आए हों? तो लेखक ने कलाकृति और रस के संदर्भ में रस को श्रेयस्कर माना है। इसका कारण यह है कि किसी भी कलाकृति में एक साथ कई रसों के आ जाने से कला अधिक समृद्धशाली और रुचिकर बनती है। उदाहरण स्वरूप, नायिका का चोरी से प्रेम पत्र पढ़ते समय उसके चेहरे के प्रेम भाव, श्रृंगार रस और उसी समय पिता द्वारा उसकी चोरी पकड़े जाने पर डर के भाव का आना, कई उदाहरण आपको मिल जाएंगे। जैसे कई बार हम लोग किचन से कुछ सामान निकाल कर खा रहे हों और मम्मी ने पकड़ लिया फ्रिज खोल कर खाते हुए, तो वो भी हंस देती हैं और हम भी हंस देते हैं। मतलब जो मम्मी के देखने का भय था वो खुशी में बदल जाता है। तो ऐसी घटनाएं कई हो सकती हैं। जीवन की जद्दोजहद ने चार्ली के व्यक्तित्व को कैसे संपन्न बनाया? चार्ली का बचपन संघर्षों में बीता। पिता से अलगाव, परित्यक्ता माँ, दूसरे दर्जे की स्टेज अभिनेत्री का बेटा होना, बाद में भयावह गरीबी और माँ का पागलपन से संघर्ष करना, साम्राज्य पूंजीवाद तथा सामंतशाही से मगरूर समाज द्वारा ठुकराया जाना, इन जटिल परिस्थितियों ने चार्ली को एक घुमंतू चरित्र बना दिया। उन्होंने बड़े लोगों को की सच्चाई अपनी आंखों से देखी तथा अब अपनी फिल्मों में उनके गरिमामय दिशा देकर उन्हें हंसी का पात्र बना सकें, तो अपने व्यक्तित्व को संपन्न कर लिया। अगला प्रश्न है, चार्ली की फिल्मों में निहित त्रासदी, करुणा, हास्य का सामंजस्य भारतीय कला और सौंदर्य शास्त्र की परिधि में क्यों नहीं आता? चार्ली चैपलिन की फिल्मों में करुणा और हास्य का सामंजस्य भारतीय कला और सौंदर्य शास्त्र की परिधि में इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि भारतीय कला में रसों की महत्ता है, परंतु करुण रस के साथ हास्य रस भारतीय परंपराओं में नहीं मिलता। यहाँ पर हास्य को करुणा में नहीं बदला जाता। रामायण और महाभारत में जो हास्य है वह भी दूसरों पर है। संस्कृत के नाटकों में भी विदूषक वह राज व्यक्तियों से कुछ बदतमीजियां अवश्य करता है, किंतु करुणा और हास्य का सामंजस्य उसमें भी नहीं है। दुख के साथ खुशी, करुणा मतलब दुख है ना, किसी के साथ मजाक तो हम कर सकते हैं, डर के बाद खुशी हो सकती है, लेकिन दुख के बाद खुशी होना बहुत आसान नहीं है कि हम रोते रोते और एकदम हंस दें। रोना भी कैसा, किसी चीज़ के लिए रोना तो सतही होता है। मान लो जब हम थोड़े समझदार हैं, किसी व्यक्ति के बिछड़ने का या कोई भयंकर गम हमको है, उसके तुरंत उबर कर उससे और हम हंस दें, वो परिस्थिति कठिन है जो कि चार्ली के व्यक्तित्व से दिखती है। अगला प्रश्न है, चार्ली सबसे ज़्यादा स्वयं पर कब हंसता था? चार्ली सबसे ज़्यादा तब हंसता था जब वह स्वयं को गर्वोन्नत, आत्मविश्वास, लबरेज, सफलता, सभ्यता, संस्कृति तथा समृद्धि की प्रतिमूर्ति, दूसरों से ज़्यादा शक्तिशाली तथा श्रेष्ठ, अपने को वज्रादपि कठोराणि अथवा मृदुनी कुसुमादपि क्षण में देखता है, तब वह स्वयं पर सबसे ज़्यादा हंसता है। आपके विचार से मूक और सवाक फिल्मों में से किसे में ज़्यादा परिश्रम करने की आवश्यकता है और क्यों? मेरे विचार से मूक फिल्मों में ज़्यादा परिश्रम करने की आवश्यकता है और उसका कारण यह है कि सवाक फिल्मों में कलाकार अपने शब्दों द्वारा अपने भावों को व्यक्त करता है, परंतु मूक फिल्मों में कलाकार को केवल अपने शारीरिक हाव भाव से अपनी भावनाएं व्यक्त करनी होती हैं, जो कि सरल नहीं है, अपने इशारों संकेतों के द्वारा किसी को हंसाना। एक दो मैंने इसमें अतिरिक्त प्रश्न बनाए हैं, चार्ली हमारी वास्तविकता है जबकि सुपरमैन स्वप्न, आप इन दोनों में खुद को कहाँ पाते हैं? तो मैं चार्ली को अपने आप को ज़्यादा निकट पाता हूँ, क्योंकि
चार्ली चैपलिन बनना आसान नहीं है। सुपरमैन तो हम बन सकते हैं, उसकी कल्पना कर सकते हैं, वो भी बनना आसान नहीं है लेकिन कल्पना कर सकते हैं। और स्वप्न देखकर हम सदा बेचारे और लाचार ही रहते हैं, इसलिए चार्ली के हम ज़्यादा निकट हैं। आजकल विवाह आदि उत्सवों में समारोहों में चार्ली चैपलिन का रूप धरे किसी व्यक्ति से आप अवश्य टकराए होंगे। तो कई जगह आप देखते होंगे, मॉल वगैरह में जाते हैं, वहाँ पर बच्चे खड़े हुए रहते हैं, कई लोग खड़े हुए रहते हैं। फिल्में भी कई इस टाइप की आई हैं कि लोग उसमें वो बनते हैं, विदूषक बनते हैं, किसी जंगली जानवर का वो गेटअप धारण कर लेते हैं और लोगों को हंसाने का काम करते हैं। मिल जाएंगे। भाषा की बात पर डिस्कस कर लेते हैं। चेहरा चार्ली चार्ली हो जाता है। वाक्य में चार्ली शब्द की पुनरुक्ति से किस प्रकार की अर्थ छटा प्रकट होती है? इसी प्रकार के पुनरुक्त शब्दों का प्रयोग करते हुए कोई तीन वाक्य बनाइए। यह भी बताइए कि संज्ञा किन परिस्थितियों में विशेषण के रूप में प्रयुक्त होने लगी है। चार्ली चार्ली हो जाना मतलब चार्ली के समान हो जाना। वाक्य में चार्ली शब्द जो है वो सामान्य वास्तविकता का बोध कराता है। चेहरा खुश हो जाना, सुख दुख के साथ खुश हो जाना। ऐसे कई वाक्य हमने पढ़े हैं, है ना? बगीचे में लाल लाल फूल खिले हैं, पिताजी कुर्सी पर बैठे बैठे सो गए, भूख से बच्चा बिलख बिलख कर रोने लगा। नीचे दिए गए वाक्यांशों में हुए भाषा के विशिष्ट प्रयोगों को पाठ के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए। सीमाओं से खिलवाड़ करना, है ना? तो इसका वाक्य में प्रयोग नीचे दिया है कि चार्ली की फिल्मों ने समय, भूगोल और संस्कृति की सीमाओं को लांघकर सार्वभौमिक लोकप्रियता हासिल की। समाज से दुरदुराया जाना, समाज के द्वारा ठुकराया जाना, और इस तरह के उदाहरण आपको मिल जाएंगे। चार्ली एक था। सुदूर रूमानी संभावना। चार्ली की जो नानी थी वो खानाबदोश समुदाय की थी। खानाबदोश मतलब घुमंतू, खाने कमाने वाले। इसके आधार पर लेखक यह कल्पना करता है कि चार्ली में इसी कारण कुछ कुछ भारतीयता है, क्योंकि यूरोप में जिप्सी जाति भारत से ही गई थी। हो सकता है चार्ली यूरोपीय भारतीय हों। सारी गरिमा स्विच भी गुब्बारे जैसी फुस हो गई, अर्थात चार्ली के गरिमापूर्ण जीवन का परिहास रूप ले लेना। एकदम गुब्बारा फूला है, उसमें स्विच भाद दो तो तुरंत वो फूट जाता है। वैसे ही एकदम हम दुखी हैं और फिर हंसने लगे, जिसमें रोमांस हमेशा पंक्चर होते रहते हैं। मतलब रोमांस, रोमांस का मतलब होता है किसी कार्य में डूबना, किसी कार्य से इतना प्रेम करना कि 24 घंटे हमें वही दिखाई दे, रोमांस कहलाता है। आजकल रोमांस रूढ़ शब्द हो गया है, वो सिर्फ प्यार मोहब्बत के चक्कर में ही प्रयोग किया जाता है कि वो रोमांस कर रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। रोमांस विस्तृत अर्थ वाला शब्द है। हम कोई भी कार्य करें, चाहे नौकरी के लिए हम अत्यधिक मेहनत करें तो हम अपनी नौकरी से प्रयास कर रहे हैं, टीचर बच्चों को पढ़ाते हैं तो कितने कितने प्रकार की तैयारी करते हैं। अभी लॉकडाउन में हम लोग कितने तकनीकी साधन जो कठिनाई से इस्तेमाल कर पा रहे हैं, और आपको पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, पाठ को सरल से सरलतम बनाने का प्रयास कर रहे हैं। तो यही तो रोमांस है, टीचर बच्चों के साथ रोमांस कर रहा है, मतलब वो चाहता है कि उसके बच्चे पढ़ें, आगे बढ़ें। तो ये चार्ली चैपलिन जो पाठ है ये आपको निश्चित है कि समझ में आया होगा। होमवर्क है आपके लिए, पुनरुक्त शब्दों का प्रयोग करते हुए कोई एक वाक्य बनाइए, है ना? और इनके विशिष्ट प्रयोग करते हुए आपको प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। ये गृह कार्य है, चूंकि आंसर मैंने बता दिए हैं तो सारे क्वेश्चन के आंसर आपको घर में लिखना ही है सभी बच्चों को। और गूगल मीट पर जब आपकी क्लास होगी उस समय आपकी कॉपी देखी जाएगी, चेक की जाएगी, इसलिए कोई भी बच्चा इसको हंसी
मजाक के तरीके में ना ले, पढ़ाई को सीरियसली लेना है, मतलब सीरियसली पढ़ते हुए आपको हंसना है, एन्जॉय के साथ पढ़ना है। क्योंकि बच्चों आप लोग जानते हैं कि ये कोरोना का दौर चल रहा है, भीषण संकट का समय है। अगर इसमें हम दुखी हो जाएंगे और पढ़ाई लिखाई छोड़ देंगे तो हमारा आने वाला भविष्य खतरे में पड़ जाएगा। और आप लोग तो सबसे इम्पोर्टेंट क्लास में हैं, 12th क्लास में, जो कि भविष्य की अंतिम सीढ़ी है। इसके बाद आपका भविष्य निर्धारण हो जाएगा। तो आपको इस कठिन दौर को खुशी के साथ जीना है और खुशी खुशी आपको पढ़ाई करनी है। आशा है कि ये पाठ आपको समझ में आया होगा। ये हमें वर्तमान जनजीवन से तो जोड़ता ही है, साथ ही वर्तमान जो विपरीत परिस्थितियां हैं उनसे लड़ने का हौसला भी देता है। तो धन्यवाद, आप सभी से फिर मिलेंगे।